अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुरान लर्निंग में आप सबको खुश आमदीद। तो आज हम अपना सबक शुरू करते हैं उल्टे पेश की मश्क। उल्टे पेश को वाव मद्दा के बराबर खींचा जाता है क्योंकि उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मकाम होता है। उल्टा पेश क्या होता है? वाव मद्दा के कायम मकाम होता है। वाव मद्दा आपको बता चुके हैं किस तरह से होता है। वाव के ऊपर जज्म और उससे पहले वाला हर्फ पेश हो, उसके पहले वाले हर्फ पे पेश हो तो वो वाव मद्दा कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 5, उल्टा पेश। हमज़ा उल्टा पेश, ऊ बा उल्टा पेश, बू इस तरह से, यही मिठ मुठी बंद करके इसको खोलेंगे। हमज़ा उल्टा पेश, ऊ बा उल्टा पेश, बू ता उल्टा पेश, तू सा उल्टा पेश, सु जीम उल्टा पेश, जू हा उल्टा पेश, हू खा उल्टा पेश, खू खाक में खई की खर की आवाज़ आनी चाहिए, खू दाल उल्टा पेश, दू दाल उल्टा पेश, जू रॉ उल्टा पेश, रू ज उल्टा पेश, जू सीन उल्टा पेश, सू शीन उल्टा पेश, शू स्वाद उल्टा पेश, सू ज़ाद उल्टा पेश, जू त्वा उल्टा पेश, तू ज़ा उल्टा पेश, जू ऐन उल्टा पेश, ऊ ऐन उल्टा पेश, गू फ़ा उल्टा पेश, फू ऑफ उल्टा पेश, ऊ काफ उल्टा पेश, कू। इस कॉफ और काफ में फ़र्क ज़रूर कीजिएगा, ये कॉफ पूरे पढ़ करके पढ़ेंगे और ये कॉफ बारीक। लाम उल्टा पेश, लू मीम उल्टा पेश, ऊ नून उल्टा पेश, नू इसमें भी मीम और नून की आवाज़ में गुन्ना नहीं होना चाहिए, यानी नाक में इनकी आवाज़ नहीं जानी चाहिए। मू नू मू नू वाव उल्टा पेश, वू ह उल्टा पेश, हू हमज़ा उल्टा पेश, ऊ या उल्टा पेश, यू। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।